हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी सक्सेस पार्टी के रूप में चर्चित हो चुकी शनिवार रात हुई फिल्म गदर 2 की पार्टी के अगले दिन रविवार रात इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए की कमाई करने का आंकड़ा पूरा कर लिया है। फिल्म ने रविवार को शुरुआती रुझानों के मुताबिक करीब 8.50 करोड़ रुपए की कमाई की और इसी के साथ हिंदी में बनी फिल्मों में ये फिल्म दूसरी ऐसी फिल्म हो गई है जिसने 500 करोड़ रुपए या इससे अधिक की कमाई घरेलू बॉक्स ऑफिस पर की हो। सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर, मनीष वाधवा अभिनीत फिल्म गदर 2 की रिलीज का रविवार को 24वां दिन रहा। जिस रफ्तार से फिल्म ने रिलीज के पहले 3 हफ्तों में कमाई की उससे ये अनुमान लगाया जा रहा था कि फिल्म अपने 4th वीकेंड से पहले ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा छू लेगी। फिल्म ने पहले हफ्ते में 284 करोड़ रुपए, दूसरे हफ्ते में 134 करोड़ रुपए और तीसरे हफ्ते में 66 करोड़ रुपए कमाए। फिल्म की 4th शुक्रवार और शनिवार को कमाई हालांकि अपेक्षा अनुसार नहीं रही और इसी के चलते फिल्म रिलीज के 4th शनिवार तक 493.37 करोड़ रुपए की कमाई कर पाई। रविवार के कलेक्शन के शुरुआती रुझान के मुताबिक करीब 8.50 करोड़ रुपए की कमाई के साथ ही ये फिल्म 500 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा पार कर गई है। रिलीज के 24वें दिन की 8.50 करोड़ रुपए की कमाई मिलाकर फिल्म गदर 2 की कुल नेट कमाई घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अब 501.86 करोड़ रुपए हो गई है। हिंदी में रिलीज हुई फिल्मों के मामले में सबसे पहले बाहुबली 2 ने साल 2017 में हिंदी डब संस्करण के जरिए 510.99 करोड़ की कमाई की थी। इस रिकॉर्ड को इसी साल की शुरुआत में रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म पठान ने बेहतर किया। फिल्म पठान के हिंदी संस्करण की कमाई करीब 524 करोड़ रुपए रही। इस लिहाज से 500 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली फिल्म गदर 2 देश की दूसरी हिंदी फिल्म हो गई है। हिंदी में बनी फिल्मों में देश के सिनेमाई इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड इसी साल रिलीज हुई शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण व जॉन इब्राहिम स्टारर फिल्म पठान के पास है। इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अपने हिंदी संस्करण से कुल 524 करोड़ कमाए थे। फिल्म पठान तेलुगु और तमिल में भी रिलीज हुई थी। फिल्म के तेलुगु संस्करण ने 12.86 करोड़ रुपए और तमिल संस्करण ने 5.8 करोड़ रुपए कमाए। इस तरह इसकी कुल घरेलू कमाई 543 रुपए हो गई। फिल्म गदर 2 शनिवार की रात हुई पार्टी दरअसल इसी अंदाजे से तय की गई थी कि शनिवार तक फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा पार कर जाएगी। हिंदी सिनेमा के सितारों ने शनिवार को जो एकजुटता सनी देओल की इस फिल्म की कमाई का जश्न मनाने के लिए दिखाई उसके चर्चे बरसों बरस होते रहेंगे। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान से लेकर अजय देवगन, कार्तिक आर्यन, वरुण धवन, संजय दत्त तक सबके सब इस पार्टी में सनी देओल और फिल्म गदर 2 की टीम को बधाई देने पहुंचे थे। बरसों तक एक दूसरे तक बात न करने वाले सनी देओल और शाहरुख खान को हाथों में हाथ डाले मुस्कुराते देखना इस शाम की सबसे खूबसूरत तस्वीर रही। इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। ऐसे तमाम और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें।